नमस्ते, सिंपली कुक में आपका स्वागत है। आज एक और चिकन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। वैसे तो मैंने अपने इस चैनल में काफ़ी सारे चिकन के रेसिपीज़ आपके साथ शेयर किया है, लेकिन यकीन मानिए हर एक चिकन का प्रिपरेशन के वजह से हर एक रेसिपी डिफरेंट हो जाती है। खाने में उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। आज जो मैं बनाने आपको सिखाऊँगी चिकन नवाबी, तो चलिए देखते हैं कि मैं चिकन नवाबी किस तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने चिकन में थोड़ा सा हल्दी, नमक और नींबू के रस से मैरिनेट किया हुआ है, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि नमक ऐड करने के बाद चिकन से एक पानी निकलता है, वो पानी हमको यूज़ नहीं करना है, वो हम फेंक देंगे उस पानी को। अब हम क्या करेंगे, एक अलग से कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर लिया है। अगर आप दूसरा कोई तेल यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है मस्टर्ड ऑयल से ये रेसिपी में ज़्यादा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, और 3 तेज पत्ते, 4 से 5 यहाँ पर मैंने सूखी लाल मिर्च ऐड किए हैं। थोड़ा सा जैसे ये थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद मैंने यहाँ पर खड़े काले मिर्च जो है वो मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं। थोड़ा सा जैसा हम इसको फ्राई करेंगे एक अच्छा सा एक स्मेल आने लगेगा, उसके बाद ही हम जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो इसमें ऐड करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना भूल गई, वो ये है कि चिकन को मैरिनेट करने के बाद 1 से 1.5 घंटा से 1 घंटा तक हमें इसे थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रखना होगा, उसके बाद ही हम इसको पकाएंगे। तो चिकन को हम अब ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 5 मिनट के लिए इसे हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि चिकन से एक जूसेस ना निकल जाए तब तक हमें इसे अच्छे तरीके से फ्राई करने होंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अब अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में जो एक बेल बटन आता है उसको भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा नहीं। और अगर आपने उसको क्लिक किया तो बहुत सारे वीडियोस के जो मैं पोस्ट करने वाली हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद 5 मिनट बाद जब जूसेस निकलने स्टार्ट हो गए हैं, अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर मैंने ऐड किया है, और नमक जो है वो मैंने यहाँ पर स्वाद अनुसार ऐड किए हैं। करने के बाद इसे मैं अब अच्छे तरीके से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। 5 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम फ्लेम में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी मसाले के साथ, जिससे कि चिकन में इक्वली मसाले जो हैं वो अच्छे से जा पाए, इसलिए हम अच्छे तरीके से मसालों के साथ इसे मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट बाद जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें 1 अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून भरा हुआ 1 छोटा टीस्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। करने के बाद इसे हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें ढक्कन लगा के करीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसे ढक के पकाना होगा। देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से अदरक के पेस्ट को मिक्स कर लिया है चिकन के साथ। अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसे 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। हो चुके हैं 25 मिनट बाद मैंने ढक्कन निकाला है। निकालने के बाद मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून सरसों का पेस्ट जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। 2 टीस्पून सरसों का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे। जिस बोल में मैंने सरसों का पेस्ट रखा हुआ था उसी बोल में मैं थोड़ा सा गर्म पानी देके इसमें पानी ऐड कर दूँगी। बहुत ज़्यादा पानी ऐड मत कीजिएगा, आप जितना ग्रेवी रखना चाहते हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ग्रेवी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का ग्रेवी में रखूँगी, इसलिए मैंने पानी जो है वो थोड़ा सा कम रखा है। और जब भी आप चिकन में पानी ऐड करें तो गर्म पानी ही ऐड करें, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और कुक जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए अब हम इसे पानी ऐड करने के बाद मैंने फिर से 20 मिनट के लिए इसे ढक के रखा था। ढक के रखने के बाद 20 मिनट बाद मैं यहाँ पर फ्राइड ऑनियन यहाँ पर मैं
ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा हमको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैंने ऊपर से थोड़ा सा फैला दिया है। फैलाने के बाद इसे अब मैं फिर से ढक दूंगी, करीबन 5 मिनट के लिए मैं इसमें फिर से ढकूंगी। 5 मिनट बाद ये चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पर एक बात आपको नहीं बताई, यहाँ पर मैंने और थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी और यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब ये चिकन बिल्कुल रेडी है, आप इसे किसी के साथ भी, रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी बनता है। ये अब मैं किसी एक प्लेट या फिर किसी भी बोल में ये सर्व करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते।